अपने ही घर में टीम इंडिया के हाथों क्लीन स्वीप होने के बाद न्यूजीलैंड के कप्तान किन विलियमसन गुस्से में उगला जहर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द वीआईपी टीवी के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां टीम इंडिया ने पांचवें टी20 मैच में न्यूजीलैंड को हराकर उसी की धरती में क्लीन स्वीप कर इतिहास रच दिया है। तो इस शर्मनाक सीरीज हार के बाद विलियमसन ने एक राहुल कप्तानी को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दोस्तों, जानेंगे इस पूरी खबर को विस्तार से कि विलियमसन ने आखिर क्या कहा है हार के बाद। लेकिन उससे पहले अगर आप टीम इंडिया की ऐतिहासिक सीरीज जीत से खुश हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई टी20 सीरीज में भारत ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। इस सीरीज में टीम इंडिया ने सभी मैचों में जीत दर्ज करते हुए न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप कर दिया है। आखिरी और पांचवें मैच में भारत ने 164 रनों का आसान लक्ष्य दिया था, मगर कीवी टीम इसे भी चेज नहीं कर पाई और भारत ने 7 रन से ये मैच जीत लिया। इस मैच में मात्र 12 रन देकर 3 विकेट्स हासिल करने के लिए जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया। वैसे दोस्तों, इस मैच में जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया है, लेकिन टीम इंडिया को जीत दिलाने में कप्तान केएल राहुल ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस मैच में कप्तान रोहित शर्मा बनकर आए थे, लेकिन उन्हें बल्लेबाजी करते हुए पैरों पर चोट लग गई, जिसकी वजह से बल्लेबाजी भी नहीं कर पाए, जिससे टीम इंडिया को नुकसान भी हुआ, क्योंकि उनके जाने के बाद 25 रन कम बनी, क्योंकि अय्यर और दुबे रन को वो गति नहीं दे पाए जो रोहित दे रहे थे। लेकिन दोस्तों, टीम ने मनीष पांडे की छोटी और विस्फोटक पारी की बदौलत 163 रन बनाने में कामयाब हो गई। और फिर आपको बता दें, 163 रन इस मैदान पर बिल्कुल सेफ नहीं थे। आपको बता दें, इस मैदान पर 199 रन का एवरेज स्कोर है चेज करने का। तो वही टीम के पास एक और संकट खड़ी हो गई थी कि अब रोहित के बाद कप्तानी कौन करेगा। तो ऐसे में अचानक केएल राहुल को कप्तानी का जिम्मा सौंपा गया इस छोटे से लक्ष्य को बचाने के लिए। तो दोस्तों, अचानक कप्तानी मिलने के बाद भी केएल राहुल ने बड़े ही शानदार तरीके से इस जिम्मेदारी को निभाई और अपने दिमाग का खूब इस्तेमाल किया और शुरुआत में ही शानदार बॉलिंग चेज से न्यूजीलैंड के 3 विकेट निकालकर कीवियों को बैकफुट पर ढकेल दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि रॉस टेलर और विकेट कीपर टीम सीवर्ड क्रीज पर जम गए और 101 रनों की पार्टनरशिप करके टीम इंडिया को इस मैच से बाहर कर दिया। और तब न्यूजीलैंड बड़े ही आसानी से इस मैच को जीत रही थी। और इसी बीच शिवम दुबे का एक ओवर काफी महंगा गया, जब उन्होंने एक ओवर में 34 रन दे दिए। तब न्यूजीलैंड को 44 गेंदों में 47 रनों की जरूरत थी और उनके 6 विकेट बचे थे। शिवम दुबे के एक ही ओवर में 34 रन पड़ने के बावजूद राहुल ने हार नहीं मानी और गुस्से की जगह दिमाग का इस्तेमाल करते हुए शानदार कप्तानी से सही समय पर बॉलिंग चेज की और नवदीप सैनी और बुमराह को बॉलिंग में वापस बुलाकर इस बड़ी साझेदारी को तोड़ी। और इसके बाद तो भारतीय गेंदबाज कीवियों पर हावी हो गए और न्यूजीलैंड को संभलने का मौका ही नहीं दिए और एक के बाद एक विकेट लेकर न्यूजीलैंड का खात्मा कर दिए और न्यूजीलैंड 20 ओवर में 9 विकेट पर 156 रन ही बना पाई। दोस्तों, इस सीरीज में केएल राहुल ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई। पहले तो उन्होंने 45 रन बनाए और फिर अचानक कप्तानी मिलने पर बड़े ही अनुभव से टीम को संभाला और सही समय पर बॉलिंग चेंज करके न्यूजीलैंड को इस गेम में पीछे कर दिया। अब दोस्तों, इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड को टीम इंडिया ने उसी के धरती पर क्लीन स्वीप कर दिया और 5-0 से इस सीरीज को जीत लिया और टीम इंडिया दुनिया की पहली टीम बन गई है जो न्यूजीलैंड को उसी के घर में किसी सीरीज में 5-0 से क्लीन स्वीप की है। आपको बता दें, इससे पहले कोई टीम न्यूजीलैंड को क्लीन स्वीप टी20 में नहीं किया है। अब दोस्तों, इस शर्मनाक हार के बाद कीवी कप्तान केन विलियमसन काफी नाराज और उदास दिखे और पहले तो उन्होंने टीम इंडिया को जीत की बधाई दी और कहा, भारतीय टीम ने शानदार खेला है और हमें हर डिपार्ट में हराया है, लेकिन हम ये सीरीज और मैच अपने गलती से हारे हैं। हम आखिर के 3 मैचों में जीतने के हकदार थे और जीत के बेहद करीब थे, लेकिन हमने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारी और मैच को सुपर ओवर में ले गए, जिसकी वजह से हमें अपने ही घर में क्लीन स्वीप का सामना करना पड़ा। दोस्तों, आगे उन्होंने कहा कि मैं सच कहूं तो हमने सीरीज शुरू होने से पहले कभी नहीं सोचा था कि भारतीय टीम इतना अच्छा भी खेलेगी कि हमें एक जीत भी नसीब नहीं होगी। तो वहीं केएल राहुल को भी निशाने पर लिया और कहा, जब रोहित चोटिल हुए तो हमें लगा कि भारतीय टीम फील्डिंग में अच्छा नहीं कर पाएगी और हमारे बल्लेबाज बड़े ही आसानी से लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। और जब केएल राहुल को कप्तानी सौंपा गया तो हम उन्हें हल्के में ले रहे थे, क्योंकि उनके पास कप्तानी का अनुभव नहीं था, लेकिन राहुल ने जिस तरह से टीम को संभाला और कप्तानी की हमें सोचने पर मजबूर कर दिया और हमें अपना गेम प्लान को बदलना पड़ा, लेकिन हमारा प्लान भी सफल नहीं हो पाया। सच कहूँ तो राहुल की कप्तानी ने हमें चौंका दिया, उसने बेहतरीन कप्तानी की जिससे हमें हार का सामना करना पड़ा।
दोस्तों अगर आपको भी राहुल की कप्तानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।